चारधाम की यात्रा में केदारनाथ का मंदिर सबसे दूर है। वहां सीधी चढ़ाई पर केदारनाथ की एक तंग पगडंडी पर चलकर ही पहुंचा जा सकता था। देहरादून के मौसम विभाग में डॉक्टर आनंद शर्मा ने एक चौंका देने वाली रिपोर्ट दी। उन्होंने एक बुलेटिन जारी किया कि अगले 72 घंटों में उत्तराखंड में 25 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। हमने ये सलाह दी कि चार धाम की यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी जानी चाहिए और फिर हमने ये भी कहा कि जमीन धसकने की भी संभावनाएं हैं। पहाड़ के लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और बाकी लोग भी पहाड़ों पर मत जाएं। आने वाले खतरे से बेखबर लिबनी और उसके परिवार ने चार धाम की यात्रा पूरी कर ली और केदारनाथ से नीचे उतरने लगे। कोई घोड़े वाला हमें ले जाने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि घोड़ा फिसल जाएगा, तो हमने फैसला किया कि हम पैदल ही नीचे की तरफ जाएंगे और हम रामबाड़ा पहुंच गए। केदारनाथ से 7 किलोमीटर नीचे रामबाड़ा ही मंदिर से उतरने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आराम करने की जगह है। हमने कुछ देर वहीं ठहरने का फैसला किया क्योंकि पुलिस ने बताया कि पुल टूटने के कारण वो किसी को आगे नहीं जाने दे रहे। लिबनी और उसका परिवार बच निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे और कहीं जाने को ना मिला तो उन्होंने पहाड़ पर चढ़ जाने का फैसला किया। सब कुछ काबू से बाहर हो चुका था और बारिश लगातार हो रही थी। हमारे आगे भी बहुत से लोग थे, पीछे भी, और हमें पत्थरों पर से चढ़कर जाना पड़ रहा था। हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। एक जगह तो मैं अपने पिताजी के बिल्कुल पीछे थी। मैंने उन्हें रोककर पूछा, पापा हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा पता नहीं। उस वक्त मैं वाकई बहुत डर गई थी। उन्होंने उन सैकड़ों लोगों को पीछे छोड़ दिया जो नगर में ही ठहरना चाहते थे। फिर बिना चेतावनी लहरें पहाड़ जितनी ऊंची थी, शायद 100 फुट ऊंची, बहुत बड़ी थी। हजारों लोग हाथ उठाए चीखते चिल्लाते लहर के साथ बहे जा रहे थे, ताश के पत्तों की तरह, और अपने साथ सब कुछ बहा ले गए। रामबाड़ा का पूरा नगर देखते देखते गायब हो गया था। अगर आपने वो नगर पहले ना देखा हो तो यकीन भी ना होता कि वहाँ कोई नगर था भी। लगता था वहाँ हमेशा से नदी ही बह रही है।